गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह के हो गए हैं 5:30 और हम लोग निकल गए हैं वॉक के लिए। ये रहा मानस। हाय, गुड मॉर्निंग। हाथ जोड़ के गुड मॉर्निंग कर रहा है। आज बहुत ही प्यारा दिन है, थोड़ी सी ठंड भी हो रही है, इसलिए मैंने फुल स्लीव्स के टॉप पहन रखे हैं। तो चलिए वॉक पे चलते हैं। बीच बीच में मैं आपको दिखाती रहूँगी कुछ मुझे इंटरेस्टिंग दिखता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो लोकेशन जिसके लिए कल हम बात कर रहे थे। अगर आपने मेरा कल वाला ब्लॉग देखा होगा तो जो हम बात कर रहे थे ईव टीजिंग को लेकर के, कि हम फोटोशूट कर रहे थे और कुछ लड़के आ गए, बीच में हमें अपना फ़ोटोशूट रोकना पड़ा और हम घर चले गए, वो एक्चुअली ये वाला पॉइंट था। ये छोटा सा टी स्टॉल है या फिर किसी का घर है, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली। तो ये बंद था, हम यहीं पर फ़ोटोशूट कर रहे थे। ये देखिए, यहाँ बैठ करके मैं फ़ोटोशूट कर रही थी क्योंकि मुझे अच्छा लगा ये थोड़ा सा लोकेशन। तो यहीं पे कुछ लड़के आ गए, ये यहाँ पे आ गए गाड़ी लेकर के और हमें फटाफट से भागना पड़ा। हमें लगा कि नहीं, कुछ परेशानी हो सकती है, तो बीच में हम अपना फ़ोटोशूट बंद करके हम चले गए। यही वो लोकेशन है। तो ये अभी था सामने, मैं वॉक कर रही थी इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। आज ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी। और आलू टमाटर की सब्ज़ी के लिए सबसे पहले इसमें ये 5 फोड़न जो होता है वो मैंने डाल दिया तेल में, और हरी मिर्च डाल दिया है। आलू बहुत इंपॉर्टेंट है आलू टमाटर की सब्ज़ी में, तो वो डाल दिया है। और अब इसको फ्राई कर लेते हैं थोड़ा। तो जितना इम्पॉर्टेंट आलू है आलू टमाटर की सब्ज़ी में, उतना ही इम्पॉर्टेंट है टमाटर। तो मैंने डाल दिया है एक टमाटर अब इसमें, और इसको भी इसके साथ फ्राई करेंगे। और साथ में मैंने डाल दिया है थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च, नमक, हल्दी और जिंजर गार्लिक पेस्ट और मेथी का, ये सूखी मेथी का पत्ता। तो सूखी मेथी का जो पत्ता होता है, कसूरी मेथी जिसको कहते हैं, वो आप सबसे पहले भी डाल सकते हैं 5 फोड़न के साथ। मैं डालना भूल गई थी तो मैंने अभी डाला, कोई बात नहीं, क्या फल पड़ता है। और उसके बाद सबसे अच्छे से मिक्स कीजिए। तो हमारी आलू टमाटर की सब्ज़ी तैयार है, अब हम इसको पूरी के साथ खाएंगे और ब्रेकफास्ट खत्म करते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। सुबह के 9 बज रहे हैं और हम लोग घर से निकल चुके हैं। थोड़ा बहुत हमें आज काम है बाहर का, वो करते हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है और कुछ इम्पोर्टेंट काम भी है, अगर टाइम मिला तो वो भी मैं कवर करूँगी तो आपको दिखाऊँगी। और मानस ड्राइव कर रहा है। बहुत प्यारा दिन है आज, धूप तेज निकला हुआ है। तो चलिए आपको सारा अपडेट देती हूँ आज का। फाइनली अपना मार्कशीट लेने के लिए, अपनी डिग्री लेने के लिए, वो भी ग्रेजुएशन की। तो मार्कशीट के लिए फॉर्म भर दिया है मैंने, डिग्री के लिए फॉर्म भर दिया है। आधे घंटे मुझे वेट करना है। तो मैं आ गई हूँ बाहर। ये आपको पता लग गया था, ये अभी देर तो बता रहे हैं। नहीं शिवम, क्या है ना कि अभी पता नहीं लगा, एक बार अपने कॉल। तो जो ग्रेजुएशन की डिग्री मुझे मिलने वाली है उसके लिए मुझे भी आधे घंटे वेट करना पड़ेगा। तो मैं वापस आ गई हूँ गाड़ी में, यहाँ वेट करूँगी। और मानस तब तक अपने ऑफिस का काम कर रहा है, उसको काम करने देते हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और आप लोग सोचते होंगे यार ये ग्रेजुएशन की डिग्री है अब ले रही है, मतलब क्या है? तो ऐसा है कि पढ़ाई लिखाई तो मैंने अपनी प्रॉपर की है जो मुझे करना था, लेकिन मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं थी। ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट एक 3 इयर्स डिप्लोमा की मेरे पास डिग्री थी, जो कि मैंने 12th के जस्ट बाद इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट सूरत से किया था। तो वो 3 इयर्स डिप्लोमा था, वो ग्रेजुएशन की डिग्री मेरे पास नहीं थी। तो मेरे घर वाले बहुत वरीड थे मेरे लिए, स्पेशली मेरी बहन, कि तुमको ग्रेजुएट होना चाहिए, कम से कम अपनी पढ़ाई तो वो पूरी कर लो, एक डिग्री होती है वो ले लो। तो ठीक है, हमने फिर ग्रेजुएशन किया और इग्नू से 3 इयर्स का ग्रेजुएशन होता है वो प्रॉपर हो गया। अब साथ में मेरा जो अपना काम चल रहा था ज्वेलरी का, वो सब कर ही रहे थे। तो जो मेरा ज्वेलरी का काम चल रहा था वो तो चल ही रहा था, लेकिन उसके साथ ही मैंने ग्रेजुएशन भी किया क्योंकि डिग्री लेनी थी, घर वाले भी इंसिस्ट कर रहे थे और एक तरह से ज़रूरी भी है, पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। कब किसी भी एज में आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए,
तो ठीक है, लेकिन डिग्री मुझे बहुत पहले ले लेना था, मेरा ग्रेजुएशन हुए टाइम हो गया आई थिंक, कितना मानस 2017 में हो गया था पूरा, 2017 में था, लेकिन शादी वादी मेरी उसी साल थी, तो उसमें बहुत मैं ऑक्यूपाइड हो गई, उसके बाद मैंने अपना जो डिग्री है वो कलेक्ट नहीं किया है, तो आज 4 साल बाद मेरा नींद टूटा है, तो मैं फाइनली अपना डिग्री लेने के लिए आई हूँ कि भाई ये तो मैंने कोर्स किया है, पढ़ाई की हुई है, ग्रेजुएशन की डिग्री इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैंने छोड़ कैसे दिया, मुझे डिग्री कलेक्ट करने आना था, तो अभी इग्नू के ऑफिस में आई हूँ नारायणा विहार, यहाँ से डिग्री मुझे डिग्री मिल जाएगी, तो फाइनली आई विल बी ऑफिशियली ग्रेजुएट ये, और इस बात पे तो मुझे पार्टी दोगे आज सीपी में खाना खिला करके, तो पहले डिग्री लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारे पास कौन आ चुका है और इसके पास क्या है, ये रहा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, स्नेहल ग्रेजुएट हो गई है, इस मौके पे एक पार्टी तो बनती है भाई, और ये रहा वो सर्टिफिकेट, फाइनली नाइस, वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस यार, हम ग्रेजुएट हो चुके हैं और अब हमारी शादी की बात स्टार्ट की जाए। तो हम ग्रेजुएट हो चुके हैं मानस, अब मेरे लिए लड़का ढूंढना स्टार्ट करो, अब शादी की बात की जाएगी, पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब सारे लड़कों की लाइन लगाएंगे, लड़कों की लाइन लगाओ मेरे लिए, मामूली बात नहीं है भाई, लड़की ग्रेजुएट है, सही में भाई, ये सर्टिफिकेट इनफैक्ट मेरे पास भी नहीं है, ये पास सर्टिफिकेट तुम्हारे पास क्यों नहीं है, मेरे पास मार्कशीट है, जो कि मार्कशीट है, लेकिन ये पास सर्टिफिकेट बेसिकली एक सर्टिफिकेट होता है दिखाने के लिए जो तुम ग्रेजुएट हो। अच्छा, तो मतलब क्वालिफिकेशन में मैं तुमसे आगे हूं? हां हां, अभी तो आगे हो। वाह, चलो भाई काम हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट काम, काफी टाइम से अटका था हमारा, ग्रेजुएट तो थी मैं बट लेकिन मेरे पास डिग्री नहीं थी, तो आज मैंने वो कलेक्ट कर लिया है, यस। तो हमारा सारा काम खत्म हो गया और अब हम खाने के लिए आ गए हैं नवेद्यम में, तो ये है हमारा नवेद्यम स्पेशल थाली, इसमें क्या क्या चीज है एक बार बताओ ना सियाल, जैसे कि ये तो सफिशिएंट है, क्या क्या है, ये तो दही है, उसके बाद सेवई है, ये रसम है, अच्छा ये सांभर है, ये एक मिक्स वेज है, ये दाल कद्दू, नहीं नहीं ये छोले है क्या, छोले साउथ इंडियन में नहीं होते, और ये राइस, अलग तरह के राइस है, ये पापड़ है, और ये क्या कचौड़ी, नहीं सॉरी पकौड़ी, ये बैगन का चक्का है, बैगन का बैगन भाजा है, बैगन बैगन भाजा, यार तुम सारे कल्चर मिक्स मत करो इस तरह से, राइस है, नहीं मैं कर्ड राइस आज खाऊंगी, कर्ड राइस तुम खा रहे हो, तो ये दो लोगों के लिए बहुत सफिशिएंट क्वांटिटी है, बस फटाफट हम इसको खाते हैं। तो हमने खा लिया है, खाना पीना हमारा हो गया है, थोड़ी बहुत शॉपिंग जो करनी थी वो भी कर ली है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की ग्रेजुएशन की डिग्री जो लेनी थी वो ले ली है, तो इतनी बड़ी खुशी है, तो मिठाई तो बनता है तो अपने साथ। तो ये स्वीट्स है, अब ये दिखा देती हूँ आपको एक कौन सा है मिठाई, तो ये नारियल का मिठाई हमने लिया नवेद्यम से, इसको खाएंगे, खाने के लिए सबसे पहले जरूरी है मास्क थोड़ा नीचे कर ले, तुम भी मास्क नीचे कर लो पार्टनर, वाह अभी आगे पुलिस मिलेगा दोनों पास, अरे थोड़ा सा खाने के लिए है, पास करने की खुशी में ग्रेजुएट हो गई हूँ मैं, मुंह मीठा कीजिए आप भी, खाइए खाइए, मुंह मीठा, सारे सब्सक्राइबर्स का मैंने मुंह मीठा कर दिया है, इससे अच्छा दुनिया में और कुछ हो ही नहीं सकता, नारियल का लड्डू बहुत ही अच्छा, मजा आ गया, मुंह आ गया, घर चलते हैं और फिर आपसे मिलती हूँ। तो हमारा खाना पीना हो गया है और अब हम इत्मीनान से बैठ गए मूवी देखने के लिए, कौन सी मूवी देख रहे हैं हम, शेरशाह देख रहे हैं, अच्छा अभी तक तो मूवी अच्छी लग रही है, हाँ
फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी मूवी हम खत्म करेंगे और अगर मूवी हमें अच्छी लग जाती है तो हम इसका रिव्यू भी देंगे कैसी मूवी है ये। एक हमारा चैनल, इसमें हम क्या क्या करेंगे, कुकिंग भी है, मूवी के रिव्यू भी हम देंगे देंगे, फैशन जो फैशन रिलेटेड जो भी कंटेंट वो भी आएगा। ये तो एडवांटेज है ऐसा रेगुलर चैनल का जो कि हम रोज डेली ब्लॉग्स देते हैं, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो हम शेयर करते हैं जेन्युइनली। तो अगर फिलहाल हमें मूवी अच्छी लग जाती है तो हम वापस आएंगे, ये पिक्चर देख रहे हैं अभी, ब्लॉग हम बंद नहीं कर रहे हैं, उसके बाद आपको गुड नाइट बोलने के लिए आएंगे रिव्यू के साथ। तो मूवी खत्म हो गई है और मूवी हमें बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छे से बनाया है और तुम्हें कैसा लगा? मैंने बहुत अच्छी मूवी बनी है, बहुत दिन के बाद एक पैट्रियोटिक मूवी इतनी बढ़िया बनी है और एक्चुअली बहुत बढ़िया से दिखाया है कि क्या, और अच्छी बात है कि अब टेक्निक इतना बढ़िया यूज हो गया है तो एक्चुअल क्या वॉरफेयर रहा होगा सारी चीजें के बारे में पता है, ऑल्टीट्यूड कितना हाई था और हम हैप्पी मूड में थे, लेकिन पिक्चर देख करके थोड़े से दुखी हो गए, लेकिन मूवी बहुत अच्छी है तो आप लोग जरूर देखें। अब हम लोग सोने की तैयारी कर रहे हैं तो आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा, डेली ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे, इसी तरह से हम लोग रोज ब्लॉग बनाते रहेंगे और आप हमें इसी तरह से प्यार देते रहिए, सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूंगी आपसे कल दूसरे ब्लॉग के साथ, नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर, लव यू, गुड नाइट, बाय बाय।